सो गाइस अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास एक जियो का फोन है और ये है जियो का 320B मॉडल। और अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चार्ज हो रहा है। अभी आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको चार्ज दिख रहा होगा, लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि ये चार्ज तो अभी हो रहा है, मैंने चार्ज में लगाया है, स्विच ऑफ करके फ़ोन को चार्ज किया और हमने स्विच ऑफ खोला, और जैसे ही हम इसको निकाल दे रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए तो चार्ज में से निकल गया है और यहाँ पे आपको चार्जिंग अब शो नहीं हो रहा है। और उसके बाद से जैसे हम दोबारा इसको चार्ज में लगा रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर चार्जिंग शो नहीं हो रहा है। हमने इसको जैसे ही चार्ज में लगाया दोबारा, अब देखिए अब आप कितने भी लगा लीजिए चार्ज नहीं शो हो रहा है, यानी कि आप स्विच ऑफ करके चार्ज में लगा रहे हैं तो चार्ज फर्स्ट टाइम शो हो रहा है, लेकिन अब दोबारा चार्ज में आप लगा रहे हैं तो चार्ज नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि फ़ोन चालू रह रहा है तो चार्ज में नहीं रह रहा है और फ़ोन स्विच ऑफ होकर चार्ज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे और क्यों ऐसा होता है सब कुछ हम इसमें जानेंगे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, और इसी प्रकार की वीडियोज़ को आपको देखते रहना है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये देखिए जियो का 320B मॉडल है ये, तो हम इसको फटाफट से कर लेते हैं ओपन। तो ये हमारा नट हो जगह है ओपन, अब हम इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा फ़ोन अभी आ चुका है बाहर और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हमारा फ़ोन। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। आप अगर इसके पिन को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको ध्यान से दिखाने की एक बार कोशिश करता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे 5 पॉइंट हैं, ये देखिए एक ये पॉइंट है, हाँ अब देखिए आप यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और यहाँ पे 2 पॉइंट है एक और है, यानी टोटल 5 पॉइंट है। इन पांचों पॉइंट में एक दिक्कत क्या होती है, कई बार क्या होता है कि लोग लास्ट वाला और ये लास्ट वाला दोनों लास्ट वाले पॉइंट को जोड़ के और चेक करते हैं यहाँ करंट तो शो होता है, लेकिन इसी कंडीशन में आपका फ़ोन फर्स्ट टाइम चार्ज होता है और सेकंड टाइम में जब आप फ़ोन चालू करके चार्ज करते हैं तो चार्ज नहीं होता है। तो इसमें ये फ़ोन अभी पहले रिपेयर हो चुका है और इसमें जो जिन टेक्नीशियन ने रिपेयर किया है उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर ये पॉइंट तो जुड़ा है, यहाँ के जो 2 पॉइंट हैं इस साइड के, ये दोनों पॉइंट को एक ही साथ जोड़ दिया है, और दूसरा कि यहाँ पर जो 2 पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को जोड़ा ही नहीं गया है। तो ये 2 पॉइंट को हमें जोड़ना है और इस पॉइंट को हमें यहाँ से हटाना है क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही में जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ को हमें पहले करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको इसमें थोड़ा सा आपको पेस्ट लगा लेना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है। और पेस्ट लगाने के बाद से आपको क्या करना है कि डिसोल्डिंग वायर जो होता है कुछ इस प्रकार का आता है, इससे आपको अपने शोल्डर को थोड़ा सा यहाँ पे उसको क्लीन कर लेना है, जो यहाँ पे उन्होंने पूरा डबल वायर लगा दिया है उसको। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो 2 पॉइंट होते हैं तो ये इधर का जो पॉइंट होता है ये ग्राउंड होता है और उसके बाद वाला पॉइंट नील होता है, यानी कि उसमें कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद के जो 3 पॉइंट होते हैं ये तीनों पॉइंट को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट नहीं जुड़ते हैं तो आपका ये जो फ़ोन है वो प्रॉपर चार्ज नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको जैम्पर की जानकारी दे दूँ यहाँ पर, तो आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो ये पिन है, जो फर्स्ट नंबर का पिन है, इधर से इस साइड से जो फर्स्ट नंबर का पिन है ये यहाँ आके मिलता है, और सेकेंड नंबर का जो पिन है उसके बाद वाला वो जाके यहाँ मिलता है, और थर्ड नंबर का जो पिन है वो जाके यहाँ मिलता है, और इसके बाद वाला पिन यहाँ मिलता है, और लास्ट वाला ग्राउंड यानी कि इसके अंदर ही टच करा सकते हैं, साइड का जो पिन है यहीं टच करा सकते हैं, यानी कि ये पूरा ग्राउंड है। तो सबसे लास्ट वाला ग्राउंड होता है, सबसे फर्स्ट वाला यहाँ मिलता है, सेकेंड नंबर यहाँ, थर्ड नंबर यहाँ, और उसके चौथा नंबर यहाँ, और पाँच नंबर इसी ग्राउंड में, यानी कि इसी के जहाँ पे जो इसको मजबूती के लिए दिया होता है यहाँ पे इसके अंदर ही इसको चिपका देना है। तो अब हम इसका जैम्पर ला के आपको चेक कराते हैं। तो जैम्पर लगाने के लिए हमें यूज करना है अपना पतला वाला सोल्डिंग आयरन।
सो फाइनली अभी देखिए हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे हम चार्जिंग को अभी फ़ोन चालू पीरियड में लगा रहे हैं तो ये चार्जिंग शो होने लगा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे फ़ोन चालू है और फर्स्ट टाइम देखिए, और जैसे हमने चार्जिंग पिन लगाया यहाँ पे चार्जिंग शो हो रहा है, यानी कि अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इस फ़ोन के सभी जो कंपोनेंट थे वो सभी एक जगह पे थे, सिर्फ इसमें दिक्कत ये था कि यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ गड़बड़ था। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जो ये वाली फर्स्ट वाली है पिन, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाली पिन थी और सेकंड नंबर, ये दो पिन थी जो कि मिसिंग थी, दोनों को हमने अपनी जगह पे ज्वाइंट कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट को जैसे हमने ज्वाइंट किया अभी फ़ोन ये चार्ज होने लगा है, ये दोनों पॉइंट को सिर्फ ज्वाइंट करने से, दो ही जंपर लगाया हमने और ये सही हो गया। अभी फिर से आपको एक बार बता दूँ तो यहाँ का फर्स्ट वाला जो पिन है इसका जंपर यहाँ लगता है, सेकेंड नंबर के पिन का यहाँ, और थर्ड नंबर के पिन का जंपर यहाँ लगता है, और चौथे नंबर का यहाँ, और पाँचवें नंबर का ग्राउंड पे ही रहता है। तो आप ग्राउंड पिन और ये और ये सभी पिनों को लगा देंगे तो ये फ़ोन अपने आप सही हो जाएगा, चार्जिंग सही करने लगेगा। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।